हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल, आप देख रहे हैं टेक्निकल काजल जाने। और दोस्तों, आज मैं आपको यहां पे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिस एप्लीकेशन को यूज करके आप यहां पे बहुत ही आसानी से विदाउट एडिटिंग के हुए किसी गाने मास्टर एप्लीकेशन को यूज करके काफ़ी अच्छे अच्छे टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में बहुत ही हजारों तरह के फिल्टर मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पे बहुत तरह के वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दो तीन वीडियो को दिखाते हैं चलाकर कि आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज करके किस किस टाइप्स के वीडियो को बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के ऐसे ऐसे वीडियो बना सकते हैं अगर आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज करके वीडियो को बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है और उसके बाद हम आपको यहाँ पे यह भी बता देंगे कि आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर मिल जाता है, बहुत सारा वीडियो का इफेक्ट मिल जाएगा जहाँ पे आप हर एक तरह के वीडियो को बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस वीडियो में स्काई में इमेज को लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से एक मिनट के अंदर में यहाँ पे इस वीडियो में स्काई में इमेज को सेट कर सकते हैं विदाउट किसी एडिटिंग के। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा ऐसा वीडियो मिल जाता है जहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि न्यू का, ट्रेंडिंग का, महादेव, मैजिक, यहाँ पे बहुत तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हैं, आप अपने इमेज को यूज करके यहाँ पे इस तरीके के क्रिएटिव वीडियो को बनाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से टिकटॉक वीडियोज को बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें यहाँ पे सभी स्काई में इमेज को लगा करके वीडियो को बना रहे थे। तो यह वीडियो भी आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से स्काई में इमेज को सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे अब एक वीडियो को एडिट करके दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पे वीडियो को एडिट कैसे करना है, इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो आप जिस भी वीडियो बनाना चाहते हैं बस आपको सिंपली उस वीडियो पे आपको क्लिक करना है और आप उस पर क्लिक करेंगे तो यह इस तरीके से ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि हम आपको यहाँ पर इस वीडियो को एडिट करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक नीचे में यूज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यूज वाले ऑप्शन पर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर वैसे यहाँ पे यह एप्लीकेशन लोड होने लगेगा, मतलब यहाँ पे वीडियो लोड होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लोड होता है 100% और इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है ऐड इमेजेज और ऐड वीडियो का। तो आप यहाँ से वीडियो को भी ऐड करके बना सकते हैं मगर हम आपको यहाँ पे सिर्फ इमेज की वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि इमेज वाले ऑप्शन पर लाना है और फिर यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ पे जिस भी तरह से इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे अच्छे से इसको क्रॉप कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पर अब एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद यह 100% एक्सपोर्ट हो जाएगा और इसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर बन करके बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप विदाउट कान मास्टर को यूज किए हुए यहाँ पे इस तरीके के वीडियो को बना सकते हैं, स्काई चेंजिंग वीडियो को। और वीडियो बन जाने के बाद आप यहाँ से इसको कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली अपने मोबाइल में जाना है और प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली लिखना है स्वैग। जैसे ही आप यहाँ पे स्वैग लिखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे फर्स्ट में फील द स्वैग वाला एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आप इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज करके यहाँ पे ऐसे ऐसे वीडियोस को बना सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नए हैं पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसी वीडियोज को लेकर आते रहता हूँ।